हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके सामने लाया हूँ मेची 1035। जैसे ड्यूरा ब्रेक में है, इसका जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक के खोलने का जो वीडियो था उसको आपको दिखाए थे। अब इसको फिटिंग का जो वीडियो है उसको दिखाएंगे। पार्ट वन में इसको खोलने का वीडियो दिखाए हैं, अभी इसका जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक का डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से फिटिंग किया जाता है उसको दिखाएंगे। देख सकते हो इसका कंट्रोल वाल्व है, पूरा कंप्लीट है। निकालो, उसको निकाल के दिखाओ थोड़ा। सत्यम कंपनी का है, देख सकते हो कंट्रोल वॉल है कंप्लीट, पूरा सेट रहता है इसमें। पहले का जो है अलग आता था, देख सकते अभी पूरा सेटिंग है इस तरीके से। कंट्रोल वॉल, सेफ्टी वॉल है इसका, सेफ्टी वॉल निकालो इधर से। देख सकते सेफ्टी वॉल इस तरीके का है। ये सारा सामान है, सामान लेके आया हूँ। और इसका जो माइनर किट है, माइनर किट नया पूरे सेटिंग डालूंगा, वो भी सत्यम कंपनी का है। निकालो उसका माइनर किट को। देखो चार होल में है, किसी किसी में पांच होल का आता है। वो क्या 1035 पुराना मॉडल में लगता था, अभी ये चार होल का 241 में भी सेट हो जाता है इसमें। ये जो माइनर किट, निकालो इसको झिल्ली से। देखो तो इस तरीके का है, सत्यम कंपनी का है। पैकेट को भी दिखाओ थोड़ा। देख सकते हो इसका रेट 3122 रुपये इसका रेट है, सत्यम का है। सत्यम का मानिक का दो तीन क्वालिटी में आता है, मेसी का ओरिजिनल भी आता है, इसका थोड़ा रेट कम है। इसका जो ओरिंग किट भी देख सकते हो, टेफे का ओरिजिनल है ओरिंग किट। पार्ट नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, पार्ट नंबर। हाइड्रोलिक का पिस्टन पहले का एक रिंग में था, एक खाली सिंगल रबड़ में था, अभी इसका जो सेटिंग है तीन रिंग और एक रबड़ के साथ, इसी सब सबको खरीद के सेट करना है। हाइड्रोलिक रिंग को निकालो, देख सकते इसका रिंग। सारा जो सामान है पूरा सत्यम कंपनी का ही है। अभी इसको सेटिंग करेंगे, किस तरीके से सेटिंग करेंगे उसको दिखाएंगे आपको। उसको जो ओरिंग किट है उसको फाड़ो पैकेट को। देख सकते यहाँ पर ओरिंग है, ओरिंग को सेट करना है आपको। एक दो तीन चार, चार ओरिंग है, ओरिंग को सेट करना है आपको। देख सकते हो ये ओरिंग, एक दो तीन चार ओरिंग, इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है ओरिंग को पहले। अभी माइनर किट को इस तरीके से आपको सेट करना है। इसका माइनर किट है, कुछ इस तरीके का बुश है, उसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। और माइनर किट को जो है अच्छे से अंदर डाल रहे हैं, ओरिंग को भी आपको देख लेना है। अभी बोल इस तरीके का पट्टी, अभी इसको पुश पट्टी कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। और इस तरीके से आपको चेक कर लेना है इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देख सकते हो इसमें भी चार आपको ओरिंग कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेना है। पूरा जो ओरिंग है, ओरिंग इस तरीके से आपको सेट करना है। और इसको यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग करना है। इसमें क्या है, हाइड्रोलिक काम करता है, इसमें एक लॉक है, लॉक को देख के आपको सेट करना है।
का भी इसमें कुछ इस तरीके से ओरिंग सेट करके आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरीके से आपको सेटिंग कर देना है। अभी जो बोल्ट है 19 नंबर का बोल्ट को आपको पीछे इस तरीके से लगा के टाइट कर देना है। इस तरीके से आप अपना जो गाड़ी का जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक घर में बैठ के रिपेयर कर सकते हैं। एकदम आसान है हाइड्रोलिक बनाना इसका। लेफ्ट से कंट्रोल वाल है, कंट्रोल वाल का वाल में इस तरीके से ओरिंग फिटिंग रहता है। ये इसका वाल है, इस तरीके से काम करता है। अब इसको हम इस तरीके से आपको सेटिंग करना है आसानी के साथ। ये ओरिंग ताकि ना काटे उसको ध्यान रखते आपको सेट करना है। लगे तो आपको थोड़ा हल्का ग्रीस लगा देना है इसमें। देखो तो सेट हो चुका है। इसको ये जो खाता है, खाता को नीचे तरफ रख के आपको सेट करना है। इस तरीके से काम करता है। ऊपर में भी जहाँ पे बोरिंग लगा देना है, बोरिंग फिटिंग करके इसको इस तरीके से आपको सेट करना है। चार बोल्ट है इसमें। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट करना है। और 10 नंबर का बोल्ट, 11 नंबर का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है। ये बोल्ट है, बोल्ट को कुछ दो चूड़ी आपको टाइट करके इसको सेटिंग करना है और गाड़ी में लगा के आपको पूरा जो है एडजस्ट करके हाइड्रोलिक को सेट करना है। जो फिल्टर है, फिल्टर को यहाँ पर सेटिंग करना है। फिल्टर पूरा सेट कर लिया हूँ पंप को। यह इसके सेफ्टी वाल्व को ऊपर में, पहले क्या साइड में देता था, अभी नया मॉडल में ऊपर में दिया है सेफ्टी वाल्व। इस तरीके से आपको सेट करना है सेफ्टी वाल्व को और 19 नंबर पाना से टाइट कर देना है। और लॉक कर दो कुछ इस तरीके से। लॉक हो चुका है, पूरा पंप सेट है। अभी इसको गाड़ी में सेट करके आपको चालू करके दिखाऊंगा इस तरीके से। इसका जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक में प्रेशर होगा। अभी देखो तो पिस्टन का रिंग है, ये पिस्टन है। दो चूड़ी मैं सेट कर लिया हूँ और एक चूड़ी बचा है। इसमें क्या है, कुछ कैसे भी आप सेट कर सकते हो रिंग। इसका रेट 90 रुपये है, देख सकते हो। 10-25 के नाम से है, सत्यम कंपनी का है। सब जो पूरा जो सामान है पूरा सत्यम कंपनी का है। ये भी 625 रुपये रेट है इसका। इसको थोड़ा एक रिंग को थोड़ा हल्का घुमा के आपको सेट करना है। तो पीली का कुछ इस तरीके से आपको सेट करके पिस्टन को धीरे धीरे आपको अंदर सेटिंग करना है। इस तरीके से आप जो है पिस्टन कवरिंग सेट कर सकते हो।
देख सकते हो अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया हूँ अंदर में। अभी पंप जो है पंप को सेट करूंगा, किस तरीके से पंप को सेटिंग किया जाता है उसको दिखाऊंगा आपको अभी। लेके आओ पंप, देख सकते हो आगे में एक बैरिंग है, एक बैरिंग है, 108 नंबर का बैरिंग है। अभी इसको सेट करूंगा, किस तरीके से सेटिंग किया जाता है उसको दिखाऊंगा आपको। देख सकते हो पंप है, पंप को कुछ इस तरीके से आपको एक तरफ टेढ़ा करके उसके बाद आसानी के साथ नीचे सेटिंग करना है। कपलिंग को दे दो, देख सकते हैं कपलिंग है इसका, इसको इस तरीके से आपको सेटिंग करना है अंदर में। पीटीओ का 11वीं सेटिंग करता है। देख सकते हो पंप इस तरीके से आपको सेट करना है पंप, और इसका लॉक करने का सिस्टम है। यहाँ पे एक ओरिंग है, ओरिंग देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग कर लिया हूँ, और इसको भी पिन को सेट करना है। लो लो सेट करो, इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। देखो तो ये रैम सिलेंडर है, रैम सिलेंडर का तो इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। लीवर है, लीवर को आपको देख के सेटिंग करना है। देखो इस तरीके से सेटिंग करना है, काम करना है। इधर दिखा थोड़ी इधर, अभी बोल्ड लगा के फिर गाड़ी में फिटिंग करके उसको चला के दिखाऊंगा। देख सकते हो पूरा जो सामान है सेट कर लिया हूँ, अभी आयल डाल के टापा उठा के फिर स्टार्ट करके दिखाऊंगा। देख सकते हो इसका जो सिस्टम है हाइड्रोलिक का, इसको आपको जो टापा हल्का ऊपर उठा के इस तरीके से सेटिंग करना है। देख सकते हो इस तरीके से काम कर रहा है, टापा पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ, अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको। देख सकते हो पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ, अभी जैसे जो बांसुरी है बांसुरी को थोड़ा दिखाओ। जैसे बांसुरी, बांसुरी में यहाँ पे एक ओरिंग है, यहाँ पे एक ओरिंग है, अरे साइड में एक ओरिंग है। अभी बांसुरी को सेट करेंगे, इस तरीके से आपको बांसुरी को सेट करना है अंदर में। अंदर में जगह है, जगह में एकदम सेट करना है। देख सकते हो पूरा जो सामान है सेट कर लिया हूँ, अभी डीजल डाल के स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ गाड़ी। देख सकते हैं हाइड्रोलिक बना के पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ, अभी गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो पीछे का पट्टा है, किस तरीके से जो हाइड्रोलिक है काम करता है। देख सकते हैं गाड़ी को स्टार्ट कर लिया हूँ, देख सकते इस तरीके से जो हाइड्रोलिक है अभी काम करना चालू कर दिया है। इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो हाइड्रोलिक है, माइनर किट है, बदल सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मेसी 10 पॉइंट।